दोस्तों मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और सबसे पहले कमेंट में आपको एक आयुर्वेदिक किताब की लिंक दी है जो कि हिंदी में है। आज से हजारों साल पहले हमारे आयुर्वेद के ऋषि मुनियों द्वारा भागवत जी के द्वारा लिखी गई है। अगर आपको किसी भी प्रकार की सेक्सुअल वीकनेस रहती है, अगर आपका लिंग छोटा रहता है, उसमें ढीलापन रहता है, आपको नाइटफॉल की प्रॉब्लम होती है, स्पर्म काउंट अच्छे से नहीं बनता है, वीर्य गाढ़ा नहीं बनता है, सीमिन अच्छे से नहीं बनता है, तो बहुत ही जबरदस्त किताब है। उसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, जरूर उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में ही पढ़ें। 149 की किताब है तो काफी आपको हेल्पफुल रहेगी। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। आप ये जितने भी पतंजलि के चारों के चार प्रोडक्ट अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप ये फ्री में जीत सकते हैं। आपके मैं घर पे कुरियर कर दूंगा, पार्सल कर दूंगा, लेकिन सिर्फ एक लकी विनर को। कंटेस्ट में आपको, कंपटीशन में आपको किस तरह से पार्टिसिपेट करना है वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। काफी छोटी 2 से 3 मिनट की वीडियो रहने वाली, तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सेक्सुअल वीकनेस के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा ना होना। माता पिता क्या करते हैं, चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, घर से बाहर कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं, बच्चों को खाना नहीं मिलता है बाहर अच्छे से। जो घर में रहते हैं वो भी अपना अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं, टाइम पे सोते नहीं है, उठते नहीं है, और खैर हॉस्टल वालों का तो आपको पता ही है। उसके बाद नेचुरल सी बात है, अगर आप यंग हैं तो आपको सेक्सुअल डिजायर्स तो होंगे ही। आप मास्टरबेशन कर लेते हैं, कभी कभी हस्तमैथुन कर लेते हैं, उसके कारण भी कमजोरी आ जाती है बॉडी में। इसको ठीक कैसे करें, यूट्यूब पर काफी सारी वीडियोस बनाई गई हैं, लेकिन वहां पे आपको जितने भी प्रोडक्ट बताए जाते हैं सभी में केमिकल्स होते हैं, जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं उनमें केमिकल्स होते हैं, उल्टा आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट हो जाता है, मैरिज के बाद आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्लीज बिना जानकारी के उन जो मेडिकल वाले जो केमिकल के प्रोडक्ट होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें, चाहे आपको कोई भी बताए, डॉक्टर की सलाह जरूर लें जाके। तो चलिए आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके लिंग में काफी ढीलापन रहता है, काफी अगर आपका लिंग छोटा रहता है, पतला रहता है, आपको लगता है कि मेरा वीर्य गाढ़ा नहीं बन रहा है, स्पर्म काउंट अच्छे से नहीं बन रहा है, सीमेन अच्छे से नहीं बन रहा है, तो कुछ नहीं करना आपको। काफी सिंपल सी रेमेडी है, 100% नेचुरल है, पतंजलि की है, बाबा रामदेव जी की है, इसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप फिजिशियन की जानकारी के अनुसार इसको यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं आपको इतनी मात्रा बता रहा हूँ आप इससे ज्यादा ले रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें, बॉडी में गर्मी भी हो सकती है। तो मैंने क्या क्या लाया है, दिव्य अश्वशीला कैप्सूल लाए हैं, दिव्य शिलाजीत कैप्सूल लाए हैं पतंजलि के, उसके बाद श्वेत मुसली मैंने चूर्ण लिया जो कि काफी अच्छा होता है मेल्स के लिए, और साथ में मैंने क्या लिया है ये शिलाजीत रसायन, ये प्योर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आपको इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है चारों को, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक अश्वशीला कैप्सूल का सुबह आधे गिलास गर्म गाय के गुनगुने दूध के बीच में डाल के सेवन करना है, और रात को क्या करना है, शिलाजीत कैप्सूल का नहीं तो शिलाजीत रसायन का, दोनों में से एक ही लेना है, तो कैप्सूल या तो रसायन, रात को आधे गिलास, देखो आधा गिलास दूध का सुबह लिया, आधा शाम को लिया, और शाम को क्या करना है, आधे गिलास हल्के से गुनगुने गाय के दूध में शिलाजीत कैप्सूल एक डाल लिया, और साथ में क्या करना है, श्वेत मुसली चूर्ण का लगभग 2 से 2.5 ग्राम के आसपास आपको लेके सेवन करना है। साथ में अगर आप चाहें तो खजूर भी खा सकते हैं, लेकिन प्लीज ध्यान रखें आपके बॉडी में गर्मी नहीं होनी चाहिए। बादाम भी ले सकते हैं भिगो के, अखरोट भी ले सकते हैं भिगो के, और पानी पूरे दिन में अच्छे से पिए। दोस्तों कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है कि आपको पतंजलि के प्रोडक्ट कैसे लगते हैं, और सबसे अच्छा कौन सा प्रोडक्ट लगता है और क्यों अच्छा लगता है। आने वाले समय में जब भी मैं लाइव आऊंगा हम किसी भी लकी रैंडम विनर को पिक करेंगे, रिजल्ट में अनाउंस कर दूंगा, उसका फोन नंबर मैं लेने वाला हूँ या फिर ईमेल एड्रेस में उसकी एड्रेस लेने वाला हूँ घर की, और वहां पर भिजवा दूंगा, कुरियर कर दूंगा ऑनलाइन। दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन घंटे को भी दबा लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।